हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं RX42 ले या फिर हम ले स्वराज का 841। दोनों के बैकअप टॉर्क को अगर कंपेयर करें दोस्तों, तो RX42 का बैकअप टॉर्क 26 का है, जबकि स्वराज का बैकअप टॉर्क 21 का है। यानी 5 से बैकअप टॉर्क सोनालिका का ज़्यादा है। यहाँ पर स्वराज को रगड़ लेता है सोनालिका। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इंजन की क्षमता के बारे में देखिए तो 50 CC से ज़्यादा इंजन है सोनालिका का, क्योंकि स्वराज का आता है 2730 किलो, और जबकि सोनालिका का आता है 2780 CC। तो यानी डिफरेंस 50 CC का है। और RPM के बारे में देखिए तो 100 से RPM ज़्यादा है सोनालिका का। आपको स्वराज का जो RPM है 1900 है, जबकि सोनालिका का RPM है वो 2000 का है। डीजल सेवर यूनिट की बात करें तो स्वराज में डीजल सेवर यूनिट नहीं आता है। एवरेज काफ़ी कम मिलेगा आपको सोनालिका का। आपको अगर आपका फ़ायदा देखना है तो दोस्तों सोनालिका लीजिए, क्योंकि आपको एवरेज काफ़ी बढ़िया मिलेगा। दूसरी बात अगर देखिए कुल वजन के बारे में, तो स्वराज का जो टोटल वेट है वह 1830 किलो है, जबकि सोनालिका का 2020 किलो, यानी 200 किलो से ज़्यादा है सोनालिका का ट्रैक्टर। यानी कितना हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है दोस्तों। आगे आगे भी 100 किलो ज़्यादा है, पीछे भी 100 किलो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्वराज सोनालिका का। इसके वजह से सोनालिका बहुत बेजोड़ है, ताकतवर हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है दोस्तों। अगर डीजल की क्षमता की बात करें तो स्वराज से 45 लीटर का डीजल का टाकी बनाया है, जबकि सोनालिका 55 लीटर का बनाया है। तो आप सोच सकते हो कितनी चक्कर आपकी बच जाएगी, बार बार डीजल लाने आपको जाना नहीं पड़ेगा तो इस वजह से। और दूसरा, गियर ऑयल चेंज करने के बारे में देखें तो 1600 घंटे को स्वराज रिकमेंड करता है, जबकि सोनालिका 1800 घंटे को रिकमेंड करता है। यहाँ पर भी आपके पैसों की बचत हो जाएगी। और प्राइसिंग के बारे में मैं अगर बात करूँ तो लगभग 1 लाख रुपये से सस्ता आपको मिल जाएगा स्वराज से हमारा सोनालिका RX42। ये डीलर टू डीलर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको डील देता है। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो महिंद्रा 475 वर्सेस RX42, तो दोस्तों आप अगला वीडियो ज़रूर देखें, आपका कन्फ्यूज़न ये भी दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।